जोबट संवाददाता यूनुस लोहार की रिपोर्ट। आज उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जोबट द्वारा विकास खंड स्तरीय एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष रमेश डावर ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में कई योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिसका हमें आगे आकर लाभ लेना है। नई नई तकनीकों के माध्यम से सब्जी फल एवं आयुर्वेदिक औषधि की खेती कर खेती को लाभ का धंधा बनाना है। यह हमारा आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी से मिलकर उच्च गुणवत्ता वाली फल सब्जी की खेती के बारे में जानकारी हासिल कर हमें आगे बढ़ना होगा। दूसरे जिलों में कई किसान नई नई तकनीक के माध्यम से सरकार की योजनाओं के माध्यम से खेती को लाभ का धंधा बनाया है और अपनी आय दोगुनी की है। इस अवसर पर मंडल महामंत्री राकेश राठौर ने भी किसानों को संबोधन में कहा कि अपने जोबट विकास खंड में कई किसानों ने गर्मी में तरबूज खरबूजे एवं फल सब्जी की फसल लगाकर नई तकनीक के माध्यम से लाखों रुपए की आय अर्जित की है। आप लोग भी नई तकनीकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में अपनी आय को दोगुना करें। इस अवसर पर अनीस मकरानी प्रभारी उद्यानिकी विस्तार अधिकारी मुकाम सिंह चौंगड़ ग्राम सेवक प्रदीप रावत धीरज सिंह बामनिया एवं जोबट विकास खंड स्तरीय किसान उपस्थित रहे। जोबट संवाददाता यूनुस लोहार आज तक 24/7 न्यूज चैनल।